Good morning, sir. हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ, अरे जो उस दिन मैंने डी वाले इमेजेस भेजे थे वो डिस्कस नहीं किए थे ना? किए थे? नहीं किए। किसी को याद भी नहीं है कि होमवर्क भी दिया था कि नहीं दिया? कुछ याद है किसी को? हेलो, क्या हुआ? हेलो, नहीं याद है क्या? याद है, कुछ बोलोगे? कहाँ नहीं पढ़ना है क्या अभी? हेलो, हेलो सर, हाँ बोलो, कोई बोल नहीं रहा है, मैं क्या पढ़ाऊँ फिर? सब लोग सो रहे हो क्या? फिर सो जाते हैं, बताओ फिर। ठीक, जब मन हो तो बोल देना, फिर पढ़ाता हूँ, ठीक है? पर चुप बैठे रहो सब लोग। डी वाला होमवर्क डिस्कस कर लिया है कि नहीं किया है? नहीं किया सर। नहीं किया है। याद भी है कौन सा होमवर्क कह रहा हूं? डी वाला। चलो हाँ सर, डिस्कस करते हैं फिर। हाँ चलो बोलो, कौन सा करना है? हाँ पहले तो ये वाला कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके हिसाब से। चार इमेजेस थी ना, छह, चार इमेजेस थी क्वेश्चन वाली। ए एंड बी आर टू सेपरेट रिजर्वेयर्स ऑफ वाटर। कैपेसिटी ऑफ रिजर्वेयर ए इज डबल द कैपेसिटी ऑफ रिजर्व बी। करना है? हाँ नहीं सर। हो गया है। हाँ सर, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस आर। करना है सर। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाई सिलेंड्रिकल टैंक। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाई सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच टू एम्प्टी थ्रू अ राउंड होल ऑफ एरिया ए एट द बॉटम। द फ्लो थ्रू द होल इज अकॉर्डिंग टू दिस आर वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड द हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका सिलेंडर है, ठीक है? ये आपका सिलेंडर है और यहाँ पर और यहाँ पर नीचे में होल है, ठीक है? होल से पानी जा रही है, ठीक है? तो अभी क्या बोला कि जो पानी का फ्लो है उसका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? वी टी इज इक्वल टू न्यू इंटू टू जी एच टी। ये बात चमकती है? ओ मेरा कुल क्वेश्चन हो गया ये वाला। हाँ सर, अच्छा ठीक है, तो अब प्रियंका ये बताओ कि क्वेश्चन में करना क्या है। प्रियंका, क्वेश्चन में क्या हो रहा है?
सर इसमें हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा। पहले ऊपर तक भरा हुआ है ना पानी, है ना? हाँ। तो किसी मोमेंट पे कुछ पानी नीचे से बह गया, ठीक है? तो किसी मोमेंट पे पानी कुछ बह गया, आप लोग जितना पानी, तुम लोग का फ्लूइड्स हो गया कि नहीं? अभी हो गया फ्लूइड्स? हेलो। हाँ सर, ने सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ाया था। अच्छा, श्रेया क्लास में है क्या? श्रेया? हाँ सर। फ्लूइड्स में हुआ है कि नहीं हुआ है? सर सिर्फ दो लेक्चर पढ़ाया था बोर्ड्स के लिए। ठीक है, फ्लूइड्स में बाहर में गया फ्लूइड्स। मुझे बताओ नॉर्मल फ्लूइड्स क्या होता है? इतना तो मालूम है ना, कंप्रेसिबल नहीं होता है। ठीक है, चलो। तो डीटी टाइम में ऑब्जर्व किया जाए क्या हो रहा है। डीटी टाइम में यहां से हम मानेंगे कि डीएच हाइट नीचे गया है। क्या मानेंगे? डीएच हाइट नीचे गया है, ठीक है। तो कितना पानी खाली हुआ है ऊपर से? ऊपर से पानी कितना खाली हुआ है? डीएच इंटू रेडियस कितना है सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर। कितना वॉल्यूम खाली हुआ है? इतना वॉल्यूम खाली हुआ है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। इतना वॉल्यूम तुम्हारा खाली हुआ है और डीएच ऑब्वियसली घट रहा है, तो उसको तुम चाहो तो माइनस लिख लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आती है माइनस क्यों लिखा है? हाँ, क्योंकि घट रहा है। घट रहा से नहीं माइनस लिखा है। डीएच का डेफिनेशन क्या होता है? आपने उस जो डेल्टा एक्स लिखा था, डेल्टा एक्स का डेफिनेशन क्या था बताओ तो? डेल्टा एक्स का डेफिनेशन क्या था बोलो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन था ना, एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। है ना? तो डीएच क्या होगा? तो यहाँ पे एक्स आई प्लस वन ये है, एक्स आई ये है, तो डीएच क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, हमको तो वॉल्यूम से मतलब है ना, तो इसलिए माइनस। तो जो डीएच इज नेगेटिव, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये बात चमकती है क्या उस दिन के लेक्चर से? आप रिलेट कर पा रहे हो? हाँ सर। डीएच क्या होता है हमेशा? एच एफ माइनस एच आई, वो तो नेगेटिव है ना इस केस में। तुमको वॉल्यूम लिखना है ना, कितना वॉल्यूम खाली हुआ है? तो वॉल्यूम कितना खाली हुआ है? माइनस डीएच इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात चमकती है? हाँ सर। डीएच इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना वॉल्यूम खाली हुआ, यहां तक क्लियर है? अभी नीचे से कितना खाली हो रहा है? तो डीटी ऊपर, ये डीटी टाइम में हुआ है ऊपर, ये ऊपर डीटी टाइम में हुआ है। अच्छा, नीचे के होल से डीटी टाइम में क्या होगा? नीचे का होल कितना है बड़ा? नीचे का होल का एरिया कितना है? पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो और रेट फ्लो कितना दिया हुआ है? वीटी म्यू रूट टू जी एच ऑफ टी। एक काम, ये समझो जरा, सुनो, वेलोसिटी इनटू एरिया क्या बन जाएगा? देखो तो वेलोसिटी इनटू एरिया क्या बन जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर सेकंड बन जाएगा ना। ये बात समझ में आती है क्या? वेलोसिटी इनटू एरिया क्या बन जाता है? वॉल्यूम पर सेकंड। ये बात समझ में आती है? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। वेलोसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है? सॉरी, वेलोसिटी इनटू एरिया क्या होता है? वॉल्यूम पर सेकंड। पर सेकंड, पर सेकंड। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हेलो, तो वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम क्या बन जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लोड। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। तो पाई ए स्क्वायर इंटू एरिया, एरिया कर दिया, क्या करूंगा? वी इंटू डी टी। ये किसके बराबर होगा? एरिया ए दिया है। अच्छा, एरिया ए दिया हुआ है क्या पूरा ही? ठीक है, तो इंटू ए इंटू माइनस डी एच।
ये बात चमकती है माइनस डी एच इंटू पाई आर स्क्वायर. अरे हाँ यार ना, क्लियर है क्या? तो ए वी, और वी कितना है? न्यू इंटू टू जी एच टी. एच इज फंक्शन ऑफ टी है इसलिए रखा था एच ऑफ टी. ठीक है, और इंटेड करेंगे आ ही जाएगा. डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एच इंटू पाई आर स्क्वायर. अभी दोनों साइड डी एच को इधर भेज दो, आर को. अब हो गया ना इंटीग्रेट. अरे हाँ या ना. हाँ सर. इसको इंटीग्रेट कर, बताओ कितना आ रहा है. ट्राई टू जस्ट इंटीग्रेट इट प्लीज. हाउ मच डू यू गेट? डी टी कितना आ गया? माइनस पाई आर स्क्वायर डी एच बाई ए इंटू न्यू इंटू रूट टू जी एच. यस, लेट्स इंटीग्रेट. इंटीग्रेट दिस, कितना आ रहा है बताओ. टी इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर बाई ए न्यू टू जी एच का इंटीग्रेशन कितना होगा? टू जी तो यही रहेगा. रूट एच का इंटीग्रेशन क्या होगा? रूट एच बाई हाफ. अरे हाँ या ना. हाँ सर. हाँ ये सर मैं सी क्यों आ गया? अरे सी क्यों आया? क्लियर है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम. आवाज आवाज मेरी लैग होके आ रही है क्या? नहीं सर. फिर तुम इतना लेट रिप्लाई क्यों कर रहे हो? ये सी कैसे आ गया? सी क्यों आया? अरे सीरियसली, ये सी नहीं पता है क्यों आया? तो मैं क्लास बंद करता हूँ भाई. व्हाट इज दिस सी? व्हाट इज, कैसे आया सी? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे प्रणति क्लास में आ गया तू? हाँ सर. तुझे नहीं मालूम है कि सी कैसे आया? पता है सर. तो क्यों नहीं बोल रही है? हाँ तो अभी सी कैसे निकालेंगे बताओ भाई. अगर एक बार और तुम लोग शांत हो गए ना, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ. पहले ही कह रहा हूँ. मुझे बताओ सी कैसे निकालेंगे सर. टी और एच को जीरो पुट करके. टी और एच को जीरो नहीं रहे. टी इक्वल टू जीरो पे एच कितना है? पानी स्टार्टिंग में पूरा भरा हुआ है ना. पानी स्टार्टिंग में पूरा भरा हुआ है ना. टी इक्वल टू जीरो पे एच कितना आप करोगे? ठीक है, तुम्हारा सी का वैल्यू, तो तुम्हारा सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ. तो अगर टी इक्वल जीरो पे एच को एच डाल देगी तो सी का वैल्यू कितना आ गया? यही वैल्यू आ जाएगी ना वापिस से, है ना. प्लस के साथ तो क्या क्या आ जाएगा? टू पाई आर स्क्वायर बाई ए न्यू टू जी इंटू रूट एच माइनस टू पाई आर स्क्वायर ए न्यू जी टू. उस दिन तो डी तो बड़े अच्छे से पढ़े थे सुबह यार. क्या हो गया है आज? ये आ गया टाइम. ये बात चमकती है. हाँ सर. अब क्या निकालना है? किस टाइम पे हाइट जीरो हुआ है ना? किस टाइम पे हाइट जीरो हुआ है? क्या करेंगे? एच इक्वल टू एच को जीरो पुट कर देंगे. तो ये खत्म हो जाएगा और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. इसको कॉपी कर लेना. फ्लो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है? जितना पानी आया है उतना पानी बाहर गया है. ऐसा क्यों कह पा रहे हैं श्रेया? जितना पानी जितना पानी आया है एक टाइम में उतना ही पानी बाहर जाएगा. ऐसा क्यों कह पा रही हो? धनंजय. नहीं धनंजय सर. पानी को इनकम्प्रेसिबल अज्यूम किया है. हाँ, पानी को इनकम्प्रेसिबल अज्यूम किया है. ठीक है, मतलब पानी इज बिहेविंग ए सॉलिड. अगर मान लो एक 6 फीट का इंसान है, उसको मैं जमीन से अगर 1 फीट ऊपर करूंगा, ऑब्वियसली उसका सर भी 1 फीट ऊपर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. हाँ जी सर. क्यों होगा? वो इनकम्प्रेसिबल है.
आदमी की हाइट नहीं कट जाए, तो वैसे लिक्विड को भी आपके सिलेबस में इनकॉम्प्रेसिबल मानते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? अच्छे से बोलो यार, नींद आ रही है, बड़ी तेज नींद आ रही है, तुम ऐसे कर रहे हो। चलो कॉपी करो जल्दी। दिवाली की छुट्टियों में आपका डेली एक पेपर रखा है 11th के सिलेबस का, फुल 11th सिलेबस सर? नहीं नहीं नहीं, किसी दिन तीन चैप्टर, किसी दिन चार चैप्टर, ऐसे है। ठीक है, तो दिवाली का यूज करो 11th का सिलेबस स्ट्रॉन्ग करने में। ओके, अभी तो मालूम चली गया महाराष्ट्र बोर्ड वाला एग्जाम तो मई में जा रहा है ना? हाँ सर। कोई है क्या अपने स्टेट बोर्ड का बच्चा? अबे कोई है ही नहीं स्टेट बोर्ड का सर? वो जेपीएन सर बता रहे थे कि 5 महीने पढ़ा है नहीं तो ऐसा कंडक्ट नहीं कर सकते एग्जाम। भारत है बे, अमेरिका में थोड़ा ना रह रहे हो कि इंडिया में, ये इंडिया में सब कर सकते हो बे, बिना पढ़ाए एग्जाम हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोग ओबेइंग नेशन है, जो सामने वाला कहता है हम लोग फॉलो कर लेते हैं। ऐसे तो स्कूल खुलेगा ही नहीं, तो एग्जाम ही नहीं होगा क्या इस साल? आंध्रा में खोले ना स्कूल, 4 दिन में 864 बच्चे और 239 टीचर्स को कोरोना हो गया, उनका क्या जाता है पॉलिटिशियंस का खोलने में? वो तो एम्स पहुंच जाएंगे तुरंत, मरते तो अपन लोग है ना यार। ठीक है, एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर स्टेट बोर्ड चेंज किया है, महाराष्ट्र बोर्ड चेंज किया है, तो आई होप बाकी बोर्ड भी चेंज करेंगे। बट अपन बोर्ड तो मार्च का ही मान के चल रहे हैं एट दिस मोमेंट। कोई न्यूज है क्या श्रेया? नहीं सर। एक और की मम्मी है ना स्कूल में, क्या नाम है उसका? साई सुजन मिश्रा की मम्मी है ना स्कूल में? हाँ सर। कोई न्यूज है? नहीं। स्कूल खुल रहा है तुम लोग का 23rd से, क्या हो रहा है अभी के लिए? नहीं खुल। आज आवाज में कुछ दिक्कत है, ऐसे बड़ा आराम से मैं पढ़ा पाता हूँ। कोई स्कूल खुल रहा है क्या तुम लोग का 23rd से? सीबीएसई वाले खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं सर? महाराष्ट्र बोर्ड वाले खुल रहे हैं सर, बोला तो है सर उनके मिनिस्टर ने, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, सीबीएसई वाले खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? एनी आइडिया? अरे हाँ या ना तो बोल दो यार सर। उनसे पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि ऑफिशियल मैसेज नहीं आया है, तो पता नहीं कब खोलेंगे। अच्छा, अपने बैच में कोई स्टेट बोर्ड का है ही नहीं है, ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? कुछ तो होता ही है स्टेट बोर्ड के ना हर साल, ये भी स्थिति है। चलो ठीक है, कॉपी कर लो यार, हेल्प करे। हाँ सर। This is very, this is a very beautiful question, and I tried to teach you one thing: flow concept. Velocity into area is volume per second. Try to remember this. ठीक है, रब करो उसको अच्छा क्वेश्चन नोट्स में कॉपी कर लिए। हाँ सर। हाँ सर। चलो, next question था वो spherical tank वाला, करना है क्या? अरे तुमने किया है कि नहीं किया है बताओ। किया है सर। किया है सर। तो स्फेरिकल टैंक वाला क्वेश्चन हो गया कि तुमने गूगल मार लिया सॉल्यूशन? हेलो हो क्या सर? कैसे किया भाई? बाकी लोग, आदित्य कुंटे तुम्हारा हो गया बेटा? नहीं सर। तो पूछ क्यों नहीं रहे, क्या हो गया? क्लास के 4 लोग चल रहे हैं क्लास, तुम्हारे तुमने
तुम नहीं पढ़ रहे हो क्या यहाँ पे? पढ़ रहे हो ना? नहीं पढ़ रहे हो? हाँ सर। क्यों नहीं पूछा? हेलो। हाँ सर। क्यों नहीं पूछा बोलो? बोला आदित्य। चलो मैं भी खाली बैठ, तुम भी बैठे हो, मैं भी बैठे रहता हूँ, ठीक है? चलो जब मन किया तो बोलो। पहले लेट्स प्ले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। मैं तो बोल दे आंसर। सॉरी डाउट पूछो सर। अभी वो मैंने खोला नहीं था तो क्वेश्चन देख रहा था और पिछला सॉल्यूशन कॉपी नहीं हुआ था तो। ठीक है, तुमने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया है? हाँ सर, इक्वेशन बनाया बट आंसर नहीं आ रहा है। बस खत्म। आंसर इस क्वेश्चन का नहीं आ रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है? नहीं, फर्स्ट और सेकंड हो गया था बट ये वाले का नहीं हुआ था। तो पूछो ना बेटा, पूछोगे ना? देखो लास्ट ईयर जो रिजल्ट हुआ है पनवेल सेंटर पे, सच ए स्टूपेंडस रिजल्ट, ओनली रीजन वॉज आई जस्ट फोर्स देम टू आस्क डाउट्स। जब डिस्कशन कर रहे हैं तो आप डाउट तो पूछो उस चीज का। क्या क्वेश्चन क्या है, समझाओगे मुझे ओम व्याकुल? क्वेश्चन क्या है एरको? सैयद तुम समझा दो क्वेश्चन। सैयद। हाँ सर। क्वेश्चन समझा। सर एक हेमिस्फेरिकल टैंक है 2 मीटर रेडियस का। ओके। सर उसमें एक आउटलेट है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का एट द बॉटम। ओके। हाँ। एंड सर इसमें पानी फुल है ऊपर तक। रेडियस 2 मीटर है, रेडियस को अपन आर ले लेते हैं। हाँ, और पानी कितना है? सर फुल पूरा पानी। हाँ हाँ फुल है, ठीक है, फुल पानी। हाँ बोलो अभी। हाँ सर, फिर 0.6 रूट 2 जीएच वेलोसिटी। वो ठीक है, वेलोसिटी रेट फ्लो है ना, वो रेट फ्लो है। क्योंकि फ्लूइड में क्या होता है कि इनकॉम्प्रेसिबल होता है ना फ्लूइड, तो जनरली हम लोग वॉल्यूम फ्लो की जगह लेंथ फ्लो दे देते हैं, बिकॉज एरिया तो कॉन्स्टेंट है सिस्टम का, ठीक है, तो लेंथ फ्लो दे देते हैं। बोलो नेक्स्ट। सर फिर कितने टाइम में पूरा पानी निकलेगा, वो निकालना है हमें? बस सेम, ऑलमोस्ट सेम पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है ना? पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो डीटी टाइम में कितना पानी गया होगा इसकी वजह से, इस रेट फ्लो की वजह से डीटी टाइम में कितना पानी गया है? टाइम इंटू 0.6 टू जी एच इंटू ये आ गया वॉल्यूम फ्रॉम बिलो, वॉल्यूम आउट। अरे यस और नो, वॉल्यूम आउट सर, वॉल्यूम आउट, ठीक है। वॉल्यूम आउट कैसे लिखेंगे, मतलब क्या लिखूं उसको मैं? यही लिखना पड़ेगा ना, फ्लोइंग आउट, या नाम देते ही नहीं है, वी नॉट लिख देते हैं, वी नॉट भी कंफ्यूज। क्या लिखूं बोलो? फ्लोन आउट, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन बनता है, कितना पानी नीचे आया, ठीक है। तो कैसे करते हैं, किसी इंस्टेंट पे क्या मान लेंगे, कहां तक पानी है? एज तक। किसी इंस्टेंट पे मान लेंगे, बोलो, ये एज तक पानी है, किसी इंस्टेंट पे मान लेंगे एज तक पानी है, ठीक है। बट स्फेरिकल सिस्टम है ना, तो एच से ज्यादा अच्छा वेरिएबल क्या है यहाँ पे? आर। आर स्फेरिकल सिस्टम है तो एच से ज्यादा अच्छा वेरिएबल तुम्हारा क्या है? आर है। तो अपन कह देंगे कि जिस इंस्टेंट की बात हो रही है वहां पे रेडियस कितना है, बोलो? आर है। यस और नो? हाँ सर। ठीक है, आप कहेंगे कि डीटी टाइम में थोड़ा और पानी फ्लो किया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इस हाइट को क्या बोल देंगे अपन, जितना नीचे फ्लो किया है इसके डेप्थ को क्या बोलोगे, डीएच बोलोगे? अरे यस और नो? हाँ सर। ये डीएच है,
ये क्या है, डीएच है, तो अभी इस डिस्क का वॉल्यूम चाहिए होगा ना। हाँ सर, है ना। तो ये एक अच्छी ज्योमेट्री लगती है यहाँ पे, अच्छी मतलब सिंपल ज्योमेट्री। अच्छी क्या है यार, ये है, ये तुम्हारा आर है, ये आर है, और ये कितना है, एच माइनस एच है। तो पाइथागोरस क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे क्लियर है, नहीं क्लियर है? और ये एच तो कुछ है ही नहीं है, एच क्या है, आर ही है ना, है ना। अरे इसका हाइट तो इनिशियली एच जो है वो आर ही है ना बाबा, है ना। तो क्या लिखा है बताओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू आर एच प्लस आर स्क्वायर। ये कट गया, तो तुम्हारा आर स्क्वायर कितना आ गया, टू आर एच माइनस एच स्क्वायर। नो क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा, बोलो। ये डिस्क नहीं है, मतलब सॉरी, मतलब क्या है ये, डिस्क नहीं है, क्या है ये, अगर हाँ सिलिंड्रिकल है ना रे, तो डीएच है और इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर डी। अरे चमकता है क्या, यही वॉल्यूम है ना, तो क्या होगा बोलो, पाई इंटू टू आर एच माइनस एच स्क्वायर इंटू डीएच। अरे क्लियर है क्या, तो क्या नाम है इसका, आयत कुंटे, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। 2RH minus H square into DH, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। Obviously minus sign भी है, ठीक है। इसको integrate करके आंसर निकाल लेना, और आंसर निकाल लेना, आंसर एंड तक निकाल लेना। This is most probably as far as I remember IIT advanced 2002 question, जितना मुझे याद आता है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो, माइक पे उठा। हाँ भाई, कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर, एक मिनट। आप कॉपी कर लिए? हाँ सर।
कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। चलो एक्सरसाइजेस में आ जाओ। बोलो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज में थे ना 15 क्वेश्चन? अरे थे कि नहीं थे? हाँ सर थे। प्लीज थकाओ मत यार, थकाओ मत। तुम कहो मैं 15 सॉल्व कर दूंगा, बट एक बार में जवाब दो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन किसी को करना है? दूसरा क्वेश्चन, बर्बाद हो रहे हो तुम लोग, पता है? पता नहीं, होपफुली कर लियो शायद। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड सर, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन समझाइए क्या बोल रहा है, बोलिए बोलिए बोलो, समझाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यार ये क्या पागलपन है यार। अरे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलोगे? सर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है पॉइंट पी पे कर्व के। एक नॉर्मल ड्रॉ किया है पॉइंट पी पे। नॉर्मल कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं बिना टेंजेंट के। ये नॉर्मल ड्रॉ किया है पी पे। हाँ बोलो, आगे बोलो। इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट जी। ओके आगे बोलो। इफ पी जी इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ के देन शो दैट द डिफरेंशियल। बस हो गया। अब पी जी का लेंथ है, ठीक है? तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन लगेगी, इसका स्लोप। ये तो हम लोग उसमें वो चैप्टर, हमने कौन चैप्टर किया था ना, क्या नाम था उसका? एक और चैप्टर था ना हमने किया था थोड़ा बहुत, उसका याद है क्या? कौन सा चैप्टर? नॉर्मल्स एंड टेंजेंट्स। नॉर्मल्स, हाँ वही कंसेप्ट लगेगा ना यहाँ पे। तो इस वाले लाइन की इक्वेशन क्या होगी, बोलो? नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई m x माइनस x। ये क्लियर है? कभी भी यहाँ पे dy बाई dx यूज नहीं करते, मैंने पहले भी बताया था। तो g वाला पॉइंट कितना होगा बताओ? g वाले पॉइंट के लिए कैपिटल y जीरो हो जाएगा, तो एम वाई एक्स एम वाई प्लस एक्स। अरे यस और नो, ये क्लियर है? हाँ सर। अब पीजी लेंथ क्या होगा बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला से पीजी लेंथ क्या होगा? एम वाई प्लस एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। एक्स और एस कट गया, ठीक है? और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? के दिया हुआ है, क्लियर है? तो क्या लिखा हुआ है? एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू के। इतना क्लियर है? तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इतना क्लियर है? तो अब बताओ क्या लिखा हुआ है? के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स is equals to this plus minus। इतना क्लियर है? जिसने भी डाउट पूछा यहां तक क्लियर है क्या? हाँ। अब इसके आगे कैसे करोगे? इसके आगे इंटीग्रेट कर लोगे कि मैं करके दिखाऊं? k square minus y square equals to dx। अगर नहीं कर पाते हो तो बहुत दुख की बात रहेगी, बट बोलो करना है क्या इंटीग्रेट? हो जाएगा, बताओ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? y square को t। हाँ सही है ना।
और मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी सिखाया था ना, बताओ क्या था? सीधा लिख देंगे इसको, याद है कि इस वाले टर्म को हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, बताओ किसी को ध्यान है क्या? सर ने क्या सिखाया था? हाँ, और सीधा के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर हाफ है ना, इज इक्वल, अरे चमकता है क्या? तो सीधा उत्तर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू प्लस हाफ बाई हाफ, और ये माइनस और ये इक्वल टू एक्स प्लस सी। अरे ये क्लियर है क्या? ये किससे पास कर रहा है? जीरो कॉमा के से पास कर रहा है, तो जीरो कॉमा के डाल के क्या निकाल लोगे? सी निकाल लोगे। ठीक है, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कर लोगे तो ऑलमोस्ट डाउट नहीं रहेंगे किसी भी लेवल के क्वेश्चंस के लिए। कॉपी करो, कॉपी करो। कॉपी कर लिए क्या? नहीं तो कॉपी कर लिए? अच्छा, आपको अगर सारे क्वेश्चन पूछने हैं इस एक्सरसाइज के, सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए बिना शर्माए हुए। नहीं बना है, पूछोगे तो ही सीख पाओगे। अगर नहीं पूछोगे, नहीं आते हुए अगर नहीं आया है और नहीं पूछते हो तो तुम फिर बेवकूफ हो। नेक्स्ट बोलो, फोर्थ। हाँ सर, फोर्थ। सब टेंजेंट क्या होता है बताओ? फाइंड द कर्व विच पासेस थ्रू, ठीक है, हैज सब टेंजेंट ऑफ कांस्टेंट लेंथ ए। तो ये कर्व है, बोलो सब टेंजेंट क्या होता है बालक? आपको उसने दिखाया था ना, मैंने सब टेंजेंट नहीं दिखाया था? दिखा था सर, बताओ ना। सब टेंजेंट मतलब प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट। हाँ, ये लेंथ जो है सब टेंजेंट है, ये लेंथ जो है वो क्या है? सब टेंजेंट है। ठीक है, तो अभी ये एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, और ये हाइट कितनी है? वाई है। अरे यस सर, नो यस सर, वाई है। तो टीजी कितना होगा बताओ? तो टीजी कितना होगा भाई? पीजी बाई टीजी कितना है? टेन थीटा। पीजी बाई टीजी कितना है? टेन। मुझे याद थोड़ी ना पागल, मैं तो हमेशा बनाया करूंगा ना। पीजी बाई टीजी कितना है? टेन थीटा। ठीक है, तो तेरा टीजी कितना है? पीजी कॉट थीटा। तू फॉर्मूला लिख के बैठ गया। पीजी कितना है? वाई कॉट थीटा। ओके,
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, बोलो यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब कहानी खत्म ना। कॉट थीटा क्या होता है? 1/m। कॉट थीटा क्या होता है? dx बाई dy होता है ना बॉस। तो एक बार प्लस माइनस से खोलेंगे हमारा कितना आ जाएगा बताओ? dx इज इक्वल टू प्लस माइनस ए dy बाई y। अरे हाँ या ना? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लॉन y प्लस c। क्लियर है? अभी c का वैल्यू निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा है क्या? किस पॉइंट से पास कर रहा है? a कॉमा वन से पास कर रहा है। a कॉमा वन से पास कर रहा है तो a कॉमा वन डाल देते हैं। तो प्लस माइनस a लॉन वन प्लस c, ये जीरो हो गया, c का वैल्यू a आ गया। तो कर्व क्या आ गया? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a लॉन y, कितना आ गया? लॉन y प्लस a। यहां तक क्लियर है? है ना? तो हो गया है ना? फिर तो देखो ना, अभी तुमको अगर आंसर निकालना है तो आंसर कैसे निकालते हैं डी में, ये भी एक समस्या होती है। x माइनस a बाई a इज इक्वल टू लॉन y, ये एक है। और दूसरा क्या है? x माइनस a, अरे हेलो, दूसरा क्या है? a माइनस x बाई लॉन y। इतना क्लियर है? आपका y क्या आएगा? e की पावर x बाई a माइनस वन, और या तो y इज इक्वल टू बोलो 1 minus x by a। क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ बोलो सर। वो फोर्थ के आंसर पे कुछ तो स्क्वायर दिया है ऊपर शायद, e की पावर में। नहीं भाई, e की पावर प्लस माइनस x माइनस a बाय a दिया हुआ है। अच्छा, वो प्लस माइनस, ओके सॉरी, वो स्क्वायर दिख रहा है, हो गया था फिर। क्या बोलो तुमको? तो ठीक है, अच्छी बात है ना, मैं साफ साफ सॉल्व तो कर रहा हूँ। देखो ज्यादा दिक्कत नहीं आने की आप लोग को इसमें, क्योंकि नॉर्मल टाइजेंट मंदिर क्वेश्चन ऐसा सिखाया था करना आपको। अब करें इसको, एनीबॉडी हु वांट्स टू कॉपी? देखो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं बना है ना, तो कोई दुख की बात नहीं है। तुम 12-14 क्वेश्चन पूछ लो, मुझे अंतर नहीं पड़ता है। तुमको सीखने से मतलब है मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को। रब करें क्या? बोलो सर। एक मिनट सर। सर रब करे। अरे हेलो दोस्तों, रब करूं? चलो नेक्स्ट बोलो। फोर्थ हो गया, ठीक है। फिफ्थ हो गया है क्या? फिफ्थ, हेलो श्रेया, फिफ्थ हो गया है? अच्छा फिफ्थ, एनीबॉडी डाउट फिफ्थ? हाँ सर। क्या हो गया है? डाउट है? डाउट फिफ्थ वाला कौन है? आयत कुंटे? नहीं, आवाज किसकी है? कौन बोल रहा है? प्रतीक। अच्छा प्रतीक, अरे हम अरे प्रतीक, क्या बात है प्रतीक, मजा आ गया। तुमने डाउट पूछा आज बहुत दिनों बाद। कर पासिंग थ्रू 1,1 हैज द प्रॉपर्टी दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन From the normal, perpendicular distance of origin
फ्रॉम नॉर्मल, देखो प्रतीक ये है पी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल, ठीक है प्रतीक, नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल, ये डिस्टेंस ठीक है इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये और ये बराबर है, इतना क्लियर है प्रतीक? हाँ सर। ठीक है तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी बताओ, हमको तो नॉर्मल की इक्वेशन कभी लिख ही नहीं सकते जब तक हम लोग को क्या नहीं सिखाया गया लिखना, टेंजेंट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। बस फिर काम खत्म हो गया आपका, डीवाई बाई डी एक्स है यहाँ पे, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी बोलो, वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स, यहां तक क्लियर है प्रतीक? हमारा कितना आ गया एम वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल जीरो, बोलो यहां तक डन? हाँ सर। नाउ व्हाट, अभी ये लेंथ का लिखने का फॉर्म, स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट से परपेंडिकुलर को कैसे ड्रॉप करते हैं, याद है फॉर्मूला, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है? तो इस पे जीरो कॉमा जीरो से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए, क्या होगा बोलो, एम इंटू जीरो माइनस वाई प्लस जीरो माइनस एक्स डिवाइड बाई, बोलो क्या होगा, वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, मॉड वाई, कितना क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो एम वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, इतना क्लियर है? तो क्या लिखा है, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एम वाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर, क्लियर है? ये कट जाएगा? हाँ सर। तो अभी क्या आगे बताओ, हम बोलो क्या आ रहा है इसके आगे, तो अभी क्या आ गया बोलो प्रतीक, बोलो डिवाइड बाय डीएस कितना आ गया, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2y, ये देखा हुआ है क्या, होमोजेनस है क्या? हाँ सर। अरे ये होमोजेनस है कि नहीं है? हाँ सर। कर लोगे ना, कैसे करेगा क्या, कैसे करेगा बताओ, तो वो y इक्वल्स टू vx, y इक्वल्स टू vx, हाँ ठीक है, करके देखो आंसर आता है क्या, करो सॉल्व करो एंड तक, जिन लोगों का नहीं हुआ है इसके आगे y इक्वल टू vx डाल के आंसर ले आओ फटाफट, 5 मिनट लो आंसर ले आओ।
अरे प्रतीक आया कि नहीं आया आंसर? हाँ सर हो गया। बोलना ठीक है, नेक्स्ट पूछो, नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट सिक्स्थ। हाँ सिक्स में कुछ प्रॉब्लम है ना, सिक्स में समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं दूसरे बैच में डिस्कस किया था, वो तो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है, जो इक्वेशन बन रही है वो इंटीग्रेट भी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा ही खराब बन रही है सिक्स में। सिक्स में क्या है बताओ, तुमने ट्राई किया ना, कैसे किया देखो तो? ऐसे ही किया ना, फाइंड द कर्व फॉर्मिंग प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा, मतलब ऐसे ही कल मैंने ट्राई किया, तो वापस कर लेता हूँ। बड़ी गंदी सी इक्वेशन बन रही है ना, एक्स और वाई लेके लेंथ ऑफ सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाई नॉर्मल ऑन द वाई एक्सिस। अब ये भी समझ में नहीं आया कि लेंथ ऑफ सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाई नॉर्मल क्या मतलब है इसका, किस लेंथ की बात कर रहा है ये? आई थिंक इसी लेंथ की बात कर रहा है क्या? हेलो मुझे तो यही लेंथ लगा, तुम बताओ। उसने दिया नहीं है लेंथ ऑफ सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाई दी बाई ए नॉर्मल ऑन वाई, यही लेंथ की बात कर रहा है ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। और क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड लेंथ ऑफ सेगमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और ये तो नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होती है बताओ, y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम इंटू एक्स माइनस एक्स। अरे हाँ या ना? तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाए, डाल दो x को जीरो, तो y कितना आ गया तुम्हारा, y प्लस एक्स बाई एम, ठीक है। तो x इंटू वाई प्लस एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या बोला है, ट्वाइस दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो ये देखने में यूं तो होमोजेनियस की फील आ रही है, बट जितना मुझे लग रहा था कल भी मैंने ट्राई किया था तो उससे कुछ हो नहीं रहा था, किसी कुछ हुआ था क्या उससे? एक्स स्क्वायर बाई एम इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। dx by dy में क्या बना रहा है, क्या बन रहा है देखो, dx by dy में क्या हो रहा है? हेलो 2x square plus 2y square 1 plus m is 1 plus y by x square है ना? हेलो 2 plus 2 minus 2y by x, अरे यस और नो है ना? अभी x को डाल देते y भी, तो कितना आ रहा है, dx by dy is equals to y v, क्या आएगा v plus बोलो by dv by dy, y dv by dy है ना? तो क्या आ गया v plus y, इससे छत में वो डाल दूं क्या, y equal to vx, वो ज्यादा अच्छा है, पता नहीं क्या अच्छा है क्या, इससे कुछ हो रहा है क्या? देखो तो जरा, कल मैंने उससे ट्राई किया तो उससे तो हुआ नहीं था, 2 बाई वी स्क्वायर माइनस 2 बाई वी, यही बन जा रहा था कल भी, माइनस वी करने पे यहाँ पे 2 कैसे आ गया, माइनस वी करने पे किसी का बना है क्या एंड तक, तो मैंने कल से कल भी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था कि बाद में अटेम्प्ट करूंगा घर पे खाली बैठ के, किसी का बना है क्या इसके आगे बताओ, कि यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू vx भी डालते हैं तो क्या बन रहा है इक्वेशन बताओ, ln v plus dv upon ln v। हाँ ln कहाँ से आ गया, ln कहाँ से आ गया, तुमने इंटीग्रेट कर दिया क्या, क्या सर वहां डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया है क्या? नहीं सर सॉल्व नहीं हुआ आगे, तो लॉन कैसे आ जाएगा, ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स,
ठीक है, तो y इज इक्वल टू vx जानने पे क्या हो रहा है बताओ, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, दैट इंप्लाइज क्या आ गया बोलो, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू बोलो क्या बना है, 1 by 2 plus 2v square minus 1 plus 2v plus 1 plus 2v square minus 2v, नहीं minus v, तो अभी अपना x dv by dx कितना बन रहा है, minus v कर देंगे, ये v उधर चला जाएगा, है ना, क्या आ रहा है, minus 2v cube plus v square minus 2v plus 1, minus 2v cube plus v square minus 2v माइनस वी टू वी प्लस प्लस खत्म ना, अब क्या प्लस वन बाई टू प्लस टू वी स्क्वायर माइनस वी, कुछ तो क्वेश्चन मिसिंग तो है, लग रहा है मुझे अब कल से ही, तो अभी क्या हो जाएगा, टू प्लस टू वी स्क्वायर माइनस वी डी वी बाई, नीचे में क्यूबिक आ गया ना, क्यूबिक फैक्टराइजेबल है क्या, किसी ने चेक किया है क्या, सर वो वन को मतलब मैंने क्या किया, ऊपर माइनस वन बाय वी प्लस वन बाय वी किया न्यूमरेटर में, हाँ सर, क्योंकि वो टू वी स्क्वायर माइनस वी प्लस टू माइनस वन बाय वी इनटू वी नीचे वाला इक्वेशन आ जाएगा, नहीं नहीं उससे क्या कर लो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो मीनिंग नहीं कर रहा ना, मैं दूसरी चीज मीन कर रहा हूँ, मैं ये मीन कर रहा हूँ नीचे वाली जो इक्वेशन है वो फैक्टराइजेबल है कि नहीं, इतना पूछ रहा हूँ मैं, नीचे वाली इक्वेशन फैक्टराइजेबल है कि नहीं है, मैं इतना ही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ है क्या फैक्टराइजेबल, कौन बोलने की हिम बोलो, एनीबॉडी, नीचे वाली इक्वेशन फैक्टराइजेबल है क्या, कोई तो बोलो यार, श्रेया सर मैंने x इक्वल टू v y लिया था तो हो रहा था, ये शायद नहीं हो रहा फैक्टर, तो वहाँ सॉल्व हो गया था x को डिवाइड लेने पे, सर बहुत लंबा सा अजीब सा इक्वेशन आया, जाने दो ये, जाने दो उससे क्या चिंता, उसको तुमको उसकी तुमको उसका क्या चिंता है कि लंबा गया छोटा गया, तो बकवास कर रही हो ना तुम सीधा, यू डिडंट रिक्वायर, यू डोंट नीड टू थिंक दैट मच ना, नीचे में देखो फैक्टराइजेबल है क्या, देखो ना इसको और इसको क्या आ गया बाहर, 1 + v² और 1 + v² * 1 - 2v प्लस वी स्क्वायर प्लस, अरे क्लियर है क्या ये, समबडी टेल मी, हाँ सर, तो वी स्क्वायर प्लस वन इनटू क्या लिखा है, वी स्क्वायर प्लस वन इनटू वन माइनस टू वी, ये बात चमकती है क्या, ये इंटीग्रेबल है कि नहीं है, करो जरा इंटीग्रेट कितना आ रहा है देखा जाए, भाई देखो ऐसा है क्वेश्चन तो बीच में नहीं छोड़ता मैं डी का कभी भी, तो आपको इंटीग्रेट तो कराऊंगा मैं, बताओ भैया इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी रखते हो कि नहीं रखते हो, रखते हो तो करो, चलो करो, कैसे करोगे, सेठ यार सुनो पागल कर दोगे मेरा दिमाग खराब, अरे हेलो, फ्रैक्शंस क्या चीज, पार्शियल फ्रैक्शंस, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन इज वन वे, करो पार्शियल फ्रैक्शन, चलो सॉल्व करो, इंटर सॉल्व करो, सॉल्व करो, कोई चिंता नहीं है, सॉल्व करो, चलो सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ेगी क्लास, सॉल्व करिए आप, एवरीबडी नीड्स टू सॉल्व, नॉट फ्यू पर्संस, एवरीबडी नीड्स टू सॉल्व, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने आता है ना, ऐसी क्वेश्चन का नहीं आता है, आता है सर,
हुआ क्या? हो रहा है सर। हाँ भाई लंबा जाएगा, करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, लंबा जाएगा, करो करो। कॉन्स्टेंट्स निकाल लिए कि निकाल रहे हो अभी तक? निकाल लिए सर। निकाल लिए। निकाल लिए, बढ़िया। कैसे निकाले, क्या किए? बाप रे, लिखने में मुझे खुद ही डर लगता है, तुमको क्या डर लगेगा? ओफ, ओफ, बोलो भाई। तो टैन वर्ड्स वगैरह आ रहा है यार? हाँ सर। आने दो, क्या कर, जो क्वेश्चन दिया हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है? और जो होगा सो देखा जाएगा। सी बाई वन माइनस टू वी, बताओ कितना आ रहा है ए और बी? सर ए माइनस वन बाई फाइव। बाप रे, माइनस वन बाई फाइव, ठीक है। बी एट बाई फाइव। ओह ओह। और सी टू बाई फाइव। वापस बोलना, ए कितना है? माइनस वन बाई फाइव। और बी कितना है? टू बाई फाइव। B 2 by 5 है कि 8 by 5 है? 2 by 5। 2 by 5 आ रहा है। ठीक है। और C कितना है? 8 by 5। बाप, अरे बाबा। ठीक है, करो ना, इंटीग्रेट तो करने हो क्या? पाव इंटीग्रेट तो कई लोगे ना, करो इंटीग्रेट, कितना आता है? अभी इसको कैसे करते हैं? स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करके। हाँ। देखो ऐसा है कि जो क्वेश्चन ने दिया है उसी को मैं नहीं जानता, क्वेश्चन ने दिया है तो मैं सॉल्व कर दिया, ठीक है? व्हाट एवर क्वेश्चन मेंट दैट आई एम सॉल्विंग, ये सॉल्व तो हो ही जाएगा ना, आंसर कुछ तो आ ही जाएगा ना, अरे हाँ ना। हाँ सर। हमने सॉल्व कर लिया ना, फिर क्वेश्चन कुछ और मीन कर रहा था, लेकिन वो तो नहीं बन रहा, जो आंसर दिया तो नहीं आ रहा ना, कुछ और ही आ रहा है, ठीक है? आप एंड तक सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। कॉपी कर लिए? इसका जो क्वेश्चन नहीं बना है पूछो, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है? चलो बोलो नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर सेवेंथ बता दीजिए। सेवेंथ, फाइंड द कर्व
such that area of rectangle, हाँ, ये अगेन एक ट्रबलिंग क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है. क्वेश्चन की जो इंग्लिश है ना वो काफी ओल्ड इंग्लिश है, कन्वेंशनल इंग्लिश है. ठीक है, फाइंड द कर्व सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन एप्सिसा ऑफ एनी पॉइंट. अब एप्सिसा का मतलब ना दो होता है, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उस मतलब उस लेंथ की जो उसका. मान लो कि एप्सिसा का दो मतलब होता है. ठीक है, क्या होता है, एक मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन. तो अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कर्व सच दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन द एप्सिसा ऑफ एनी पॉइंट. तो कोई भी पॉइंट ले लिए, तो एप्सिसा ऑफ एनी पॉइंट एक रेक्टेंगल बनाना है एप्सिसा ऑफ एनी पॉइंट पे और इंटरसेप्ट कट ऑफ ऑन द वाई एक्सिस बाय द टेंजेंट और ये इंटरसेप्ट का. ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स. तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो कॉमा वाई माइनस एम एक्स, जीरो कॉमा वाई माइनस, सही है क्या, हाँ सही है. तो आपको कहा गया एक रेक्टेंगल बनाना है, इस पे कंस्ट्रक्टेड ऑन एप्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट की लेंथ और ये वाली इंटरसेप्ट. ये बात क्लियर है क्या, ये इंग्लिश की दिक्कत है बस, वाई माइनस एम एक्स और क्या दिया वैल्यू इसका, ए स्क्वायर दिया हुआ है. अरे इतना क्लियर है क्या, हाँ सर, इंग्लिश की इंग्लिश था कि कंस्ट्रक्टेड ऑन वाई एक्सिस, सॉरी कंस्ट्रक्टेड ऑन एप्सिसा एंड दी वाई इंटरसेप्ट. यहां तक क्लियर है, तो अभी क्या आ गया बताओ, एक्स वाई माइनस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर. यहां तक क्लियर है, हेलो, तो अब बताओ सॉल्व कैसे करेंगे, बोलो जरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, बोलो तो ये सॉल्व कैसे होगा बताओ सर, वो एक्स स्क्वायर को जो डिवाइड बाय डीएक्स का एक्स स्क्वायर उसको डिवाइड कर देंगे. बहुत अच्छी बात है, तो डिवाइड कर दिए तो माइनस प्लस वन बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई एक्स. शाबाश, अभी क्या करें बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसके सिस्टम का, इंटीग्रेटिंग दिख रहा है, बिना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले दिखता है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वन बाई एक्स होगा ना, तो वाई इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स. अरे इतना क्लियर है क्या, मतलब ये था कि जो रेक्टेंगल की जो साइजेस है ना लेंथ और ब्रेथ वो एप्सिसा है और एक इंटरसेप्ट और एक ये इंटरसेप्ट है. अगर मान लो ये क्वेश्चन कहता रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दी एप्सिसा एंड दी ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो क्या मतलब होता है, लेंथ और ब्रेथ एक्स वाई है. हाँ, लेंथ और ब्रेथ एक्स वाई है. ठीक है, तो बस लिखने का सेंस है कन्वेंशनल और कुछ नहीं है. ठीक है, और आई अज्यूम एंड होप कि आप लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कॉपी कर रहे होंगे नोट्स में. वैसे आवश्यकता नहीं है, आप अगर वीडियो भी सुनोगे आपका रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, ये सेवेंथ क्वेश्चन था. नेक्स्ट बोलो, एट्थ वाला. हाँ जी, कौन सा, इसको रब करें, नहीं सर, नहीं सर, रब करें. हाँ सर. हाँ, नेक्स्ट बोलो, एट्थ वाला. फाइंड द कर्व सच दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्डिनेट ऑफ एन आर्बिट्री पॉइंट
and the tangent at this point equals half the square of its abscissa. तो क्वेश्चन बताओ, कोई कोई कौन 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 समझाया है क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या है बताओ, शेयर बताओ, क्वेश्चन समझाओ क्या है. सर एक ट्रेपेजियम बनाया. नहीं नहीं, पहले एक कर्व निकाल, एक कर्व है. हाँ ठीक है, उस कर्व पे उसके टेंजेंट, हाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, हाँ और कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाँ बन गया ना कोऑर्डिनेट यूज करके. तो अब लोगों का जो इस क्वेश्चन में डाउट हमेशा आता है ना, वो ये आता है कि सर ये बताओ कि यार आपने तो ऐसा ले लिया टेंजेंट, यहाँ कट कराया, अगर मैंने ये फिगर लिया तो बताओ कहाँ बन रहा है ट्रेपेजियम. समझ रहे हो, लोग कहने लगते सर यहाँ ट्रेपेजियम बना के दिखाओ. अब तो मैं तो कोई जादूगर थोड़ी ना हो कि ट्रेपेजियम बना दूंगा, यहाँ पे वो फिगर ही नहीं आएगा. यहाँ तुमको फिगर थोड़े मालूम है पहले से, तुम तो एक फिगर एज्यूम करते हो तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से. तुम समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ. मैक्सिमम लोग यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं, सर सर मैंने टेंजेंट ऐसा बनाया और नीचे आ गया, अब तो ट्रेपेजियम बना के दिखाओ आप. अब मैं कैसे बनाऊंगा ट्रेपेजियम बे, तुमने फिगर ही गलत बनाया है. ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. तो दिस इज नॉनसेंस. यू हैव टू मेक अ फिगर विच सॉल्व्स योर प्रॉब्लम, बिकॉज बाबा यू डोंट नो ना व्हाट इज गोइंग टू कम. मैं तो एक जनरल फिगर लेके सॉल्व करो, जो आना है आ जा भाई. अब तुम जानबूझ के फिगर में दिमाग की दही करके बैठ जाओ तो क्या कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे ना यार. फालतू में रहता क्यों फैलाने का है, आप नॉर्मली सॉल्व करो ना यार, जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो. ये बात समझ में आती है क्या? तो आइए देखा जाए क्वेश्चन, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है. ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? Half into some half into left side, some parallel side. पहले ये लगेगा ना बे, पहले ये लगेगा ना बे, है ना. अब बताओ ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ हाफ 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 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. हां जी इनटू हाइट इनटू एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है? अरे बोलो कितना दिया है? हाफ द स्क्वायर स्क्वायर बाय 2 हाफ द x square. हाँ अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, तुमने तो कहा ना ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना? हाँ सर. हाँ सर. तो भाई यहाँ और यहाँ तो मॉड आना चाहिए था ना. अरे हाँ या ना? हाँ सर. लेकिन ये दोनों मॉड सेम साइन से खुलेंगे क्यों? ये दोनों मॉड सेम साइन से खुलेंगे क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम कब बनेगा? जब दोनों सेम साइड पे होंगे तभी ना. अरे ये क्लियर है क्या दोस्त? हाँ सर. अरे बहुत ज्यादा रुला रहे हो तुम्हें पता है, मतलब आंसू आ जाएंगे इतना तुम लोग बुलवा रहे हो मुझसे सुबह सुबह. ये आ गया तो भाई ऐसा है, एक एक्स कट गया ठीक है, तो क्या आ गया? 2y माइनस mx इज इक्वल टू x. अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर. ठीक है तो क्या आ गया? 2y इज इक्वल टू m इनटू, अबे 2y इज इक्वल टू dy by dx into x plus x. ये सॉल्व कैसे करें? dy by dx एक तरफ लिख के. हाँ तो एक तरफ तो लिखा है, x डिवाइड करके फिर y by x dy by dx plus x is equals to 2y. ठीक है तो अगर x से डिवाइड करते हैं तो वन बाई क्या आ गया? यहाँ पे एक्स आ गया ना, तो ये एल डी बन गया क्या मित्र? हाँ सर. अरे एल डी बना कि नहीं बना? हाँ सर. पता नहीं, तुम लोग भी दुखी हो मैं भी दुखी हूँ. बन गया ना एल डी? नहीं बना, लग तो रहा है बन गया ना. बन गया सर. बन गया सर. वैसे तो होमोजेनस भी है ये, है ना? 2y minus x by x is equals to m. तो homogeneous भी तो है, y equals to vx. अरे yes or no है ना? हाँ sir. हाँ sir. सही लिखा है ना ये? हाँ सही लिखा है ना? तो वो homogeneous से भी कर सकते हैं. अरे बोलो हाँ है ना? इन homogeneous से थोड़ा आसान पड़ता है LD, because लंबा कम होता है. ठीक है, solve करके enter का answer निकाल लो. जिन लोग का नहीं बनाता enter का answer निकालो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. 5 मिनट देता हूँ answer निकालने का.
हाँ बोलो, हो गया कॉपी सॉल्व, हो गया आंसर आ गया? हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बोलो। ये सबका सब नहीं बन सकता यार, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, फंस जाओगे। नेक्स्ट बोलो साहिल। नाइंथ वाला, उसने में शर्म आ रही है क्या कि मैं सारा सॉल्व कर दूं? वो सारा सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा करने बोलो? नाइंथ वाला। The tangent at a point P of the curve meets the y-axis at n and the tangent at the point, the tangent at the point P of the curve meets the y-axis at n. The tangent at the point P meets the y-axis at n, and Q is the feet of altitude. If the area of triangle QON, बताओ QON इस ट्रायंगल का एरिया का बात हो रहा है, ठीक है, इज कॉन्स्टेंट, तो ट्रायंगल के एरिया के निकालने के लिए क्या चाहिए? y इंटरसेप्ट, x इंटू y दिया हुआ है, और क्या लगेगा बताओ? तो इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? जीरो कॉमा वाई माइनस एम एक्स, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो और ये पॉइंट क्या है? एक्स कॉमा जीरो, हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ? हाफ इंटू y माइनस एम एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या दिया है कॉन्स्टेंट का वैल्यू? कुछ नहीं दिया ना, अपन मान लेते हैं k, मान लेते हैं, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ? y माइनस वाई एक्स माइनस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। अरे यार, ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। तो आप बताओ, अभी क्या बन गया? dy by dx into x square is equal to 2k, yes or no? Divide by x square किया तो क्या बन गया? dy by dx minus y by dx minus y 1 by x is equal to minus 2k by x square. यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। जिनका नहीं बना था यहाँ के आगे सॉल्व करके आंसर लाओ, नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ। आंसर दिया भी नहीं है क्या इस क्वेश्चन का? सर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनना चाहिए पर नहीं बन रहा शायद। ठीक है, चलो इंटीग्रेट करते हैं, बताओ कितना आ रहा है इंटीग्रेट करने पे? आईएफ कितना है? 1/x ना, तुम्हारा कितना हो जाएगा? y into 1/x is equals to minus 2k x cube, तो कितना आ गया? y by x is equals to minus 2k, और x cube का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर माइनस टू बाई माइनस टू प्लस सी, ये कट गया और आ गया y बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो y x इज इक्वल टू वन प्लस, हाँ हाँ k बाई एक्स स्क्वायर ना सर, बाई एक्स में, हाँ हाँ हाँ, तो k, ये आ गया इक्वेशन। हाँ सर। तो अब ये किसका इक्वेशन है, कैसे जानते हैं हम? सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, सेकंड डिग्री क्वेश्चन है ना, ये हाइपरबोला है कि नहीं ये कैसे जानते हैं? चेक करो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस क्या था? ए बी था ना, चेक करते थे यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी है? वन है, और माइनस ए और बी, ए कितना है? ए कितना है? सी है, और बी कितना है? जीरो है, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया ना? हाँ सर। तो किस चीज की क्वेश्चन है? एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो से बड़ा होता है, तो क्वेश्चन किस चीज की होती है? हाइपरबोला। हो गया ना हाइपरबोला? हाँ सर।
नेक्स्ट बोलो, कोई बुरी बात नहीं, डाउट पूछना ठीक है, तुम लोग अभी पूछ नहीं रहे हो ठीक है, तुम्हारा तो नेक्स्ट बोलो। सर टेंथ वाला इंटीग्रेट नहीं हो रहा है लास्ट में, हाँ भाई कॉपी कर लिए। हाँ बोलो सर, कौन सा करना है, टेंथ करने को बोल रहे हो? हाँ सर। फाइंड द कर्व सच दैट इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द एक्स एक्सिस, इसमें क्या नहीं आ रहा है सर? लास्ट में आंसर नहीं आ रहा है। फाइंड द कर्व सच दैट इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द वाई एक्सिस बाय द टेंजेंट एट आर्बिट्री पॉइंट। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा वाई माइनस एम एक्स। तो वाई माइनस एम एक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट के वाई क्यूब, अरे यही है ना। तो वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू के वाई क्यूब, तो y स्क्वायर से डिवाइड कर दे क्या इसको, हाँ x से डिवाइड कर देते और y स्क्वायर से डिवाइड कर देते, कितना बनता है, पहले x से डिवाइड करते हैं, dy by dx माइनस y by x इज इक्वल टू के वाई क्यूब बाई एक्स, अभी y क्यूब से डिवाइड कर दे, वन बाई वाई क्यूब dy by dx माइनस वन बाई वाई स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू के बाई एक्स, अभी क्लियर है क्या? हाँ सर। तो अभी क्या करेंगे अपन, वन बाई वाई स्क्वायर को टी लिया तो माइनस टू बाई वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, अरे यहां तक क्लियर है? हाँ, तो कितना आ जाएगा इसका, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बाई डी एक्स बाई वन बाई टू प्लस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू के बाई एक्स, बोलो बे। हाँ सर। आंसर क्या होगा भाई इसका, ये टू इधर गया ना और टू इधर गया, उसका आंसर कितना होगा, आईएफ कितना होगा इसका, आईएफ कितना है, अरे हेलो आईएफ कितना है भाई, ई की पावर टू बाई एक्स है ना, आईएफ टू लॉन एक्स, एक्स स्क्वायर है आईएफ ना, तो टी इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू के बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट गया तो टी एक्स स्क्वायर, मुझे बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि आंसर नहीं आया, बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आंसर नहीं आया आंसर नहीं आया, प्लस सी टू और टू कट गया ठीक है, अभी टी क्या है, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस सी ठीक है बे। हाँ सर। है ना, अभी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया तेरा, सी बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है क्या बे? ठीक है। हाँ, कितना आ गया, तो माइनस के उधर भेज दिया, इधर लिखा है सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर, ओके माइनस के से डिवाइड कर दिया, नया कांस्टेंट बन गया ए बाई एक्स, अबे क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। तुम बोल रहे हो कि आंसर नहीं आ रहा, बाकी लोग क्लास में बोल नहीं रहे कि हाँ सर आंसर आ रहा है, भाई श्रेय आपका भी आंसर नहीं आया था? आया था सर। कॉपी करी चलिए, आप कहाँ फंस गए थे ओम व्याकुल, किधर आपका आंसर किस पॉइंट पर नहीं मैच, कैसे कहाँ फंस गया सर? वो लास्ट में ही नया कांस्टेंट में नहीं बनाया। समझ गया मैं।
इनका दो डब्बा था ना घर में, दो डब्बा खत्म हो गया. तुमने उस दिन कितना डिब्बा वापस किए थे? कितना डब्बा था उसमें? दो दो पेन, दो पेन से लिखते रहेंगे चार्ज लगे तो. कौन राहुल? कौन? 9 बजे. हाँ साढ़े नौ तो बोले थे हम भी, साढ़े नौ रात में. हाँ कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर. चलो नेक्स्ट बोलो. 11th से 15 में तो मतलब बिल्कुल आंसू आ गए होंगे. ठीक है. 11. The area of region bounded by an unknown curve, the x-axis, the two ordinates, one of which is constant. अच्छा ओके 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 ठीक है. नहीं नहीं सॉरी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो इसको. पेंडिंग लिख दो, पी लिख दो, पी राइट देयर, पी पेंडिंग. ठीक है नेक्स्ट बोलो. ट्वेल्थ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी कट्स द एक्स एक्सिस एट जी. अभी तो सेम क्वेश्चन किया है. नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी एक्स एक्सिस एट जी एन इज द नॉर्मल का फीट एंड दिस इज द टेंजेंट एज यूजुअल. ठीक है. इफ एन जी वेरीज, एन जी मतलब सब नॉर्मल है ना, एन जी, एन जी वेरीज एज स्क्वायर ऑफ रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन. क्या मतलब हुआ इसका? एन जी इज इक्वल टू के टाइम्स ओपी स्क्वायर. ये क्लियर है क्या? हाँ सर. ये बात समझ लो, रेडियस वेक्टर का मतलब होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस. तो एन जी क्या होगा बताओ अभी, एन जी लेंथ क्या होगा बोलो? ये थीटा है ना, तो ये थीटा है तो 90, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है. अरे हाँ याना, ठीक है. तो एन जी बाई पी एन क्या हो जाएगा? टैन थीटा. अरे हाँ याना, एन जी कितना हो जाएगा? पी एन टैन थीटा. तो वाई एम इज इक्वल टू के टाइम्स ओ पी स्क्वायर. यस यस बॉस, क्लियर है ये? ठीक है. तो अभी एम क्या है? डी वाई बाई डी एक्स. ये वेरीज एज प्रोपोर्शनल बोला है कि वेरीज एज बोला है? चमक नहीं रहा मुझे. ये लेना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से. ठीक है. तो हो गया ना फिर m डिवाइड बाय dx k x स्क्वायर प्लस k y स्क्वायर. उफ कर सकते हो क्या इसको इंटीग्रेट? हेलो अरे भाई कोई बोलेगा? अजीब हो रहा है. एलडी है क्या? ये नहीं है. किसका डाउट किसका था? ये श्रेया, श्रेया तुम्हारा डाउट था? हाँ सर. एलडी है जो लिखा है वहां पर देखो. अच्छा तुम छोड़ो, पहले ये बताओ यहाँ पे हम लोग सॉल्व डायरेक्टली कर पाते क्या? नहीं कर पाए डायरेक्टली सॉल्व ना, क्योंकि होमोजिनियस नहीं था, वेरिएबल सेपरेबल नहीं था. अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर एलडी है कि नहीं है? कैन समबडी, डज समबडी वांट टू हेल्प श्रेया? यहाँ पे एलडी है कि नहीं है? नहीं होगा. नहीं है ना बे, वाई स्क्वायर है, कैसे होगा एलडी? एलडी बना सकते हैं क्या? हाँ सर. कैसे बे? वाई स्क्वायर को टी लिए. ठीक है. तो 2y dy is equals to dt. चमका गया? तो क्या आ गया? y dy का वैल्यू dt by dx minus kt is equals to, अबे बोलो बे. तो यहाँ पर dt by 2 और 2 आ गया. अब ld है क्या बेटा?
अब बताओ आई एफ क्या है इसका, e की पावर माइनस टू के डी एक्स है ना, तो क्या आ गया आई एफ, e की पावर माइनस बोलो बे माइनस टू के एक्स, अरे ये चमकता है क्या? हाँ सर। आंसर क्या हो, तो आंसर क्या होगा अभी, t इंटू e की पावर माइनस टू के एक्स इज इक्वल टू, बोलो बहुत थका रहे हो तुम लोग यार, टू एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस टू के एक्स, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सॉल्व करिए एंड तक आंसर मैच करिए, एंड तक आंसर ट्राई करिए मैच करिए, चलिए मैच करिए, चलिए इसके आगे कैसे करिएगा, बाई पार्ट लगाओगे ना आप तो? हाँ सर लगाओ भाई बाई पार्ट सर। हाँ सर, वो e की पावर में वो आई एफ पे सिर्फ माइनस टू इंटीग्रेशन dx नहीं आएगा क्या? आई एफ क्या होता है, dy by dx plus y, y के अलावा जो भी होता है यहाँ पर उसको हम लोग आई एफ में भेजते हैं ना, e की पावर px dx, y के अलावा जो भी होता है, तो यहाँ पर t के अलावा जो भी क्या है माइनस टू के है ना। हाँ सर, सर वो मतलब आंसर p of x ऐसा कंपलसरी रहना चाहिए क्या कि मतलब p of x का मतलब क्या समझते हो तुम, मतलब बताओ p इक्वल y इक्वल टू ये px इक्वल टू 1 ये फंक्शन ऑफ x है कि नहीं है? है ना, x पावर 0 हाँ, तो कंपलसरी फंक्शन ऑफ वो px होना चाहिए। इसका आंसर मैच करिए एंड तक,
हो गया सर। आ गया आंसर? हाँ सर। बढ़िया, दो मिनट टाइम दो मुझे, एक काम कर रहे थे। हाँ आंसर, अरे मैं ये कह रहा था नेक्स्ट बोलो। अरे हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। यार देखो बार बार तुम लोग डरा दे रहे हो, लग रहा है कि नेट चला गया है। हेलो नेक्स्ट बोलो, डाउट है क्या? 12 ट्वेल्थ सेम चला गया। अरे आवाज, अच्छा 11 क्या बोल रहे हो? 12th ही खेलता, ठीक है। नेक्स्ट बोलो 13th। थर्टींथ कल तुम पूछ रहे थे ना क्या नाम है, ओम व्याकुल, तुम्हारा आ गया 13th? हाँ सर। ठीक है 13th। चलो मैं 13th एक सॉल्व कर दिखा देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इन विच The tangent and normal drawn at any point of the curve, tangent and normal drawn at any point of the curve are equidistant from the origin. मतलब क्या मतलब भाई ये क्वेश्चन, क्या मतलब बताओ? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? अरे भाई कोई तो बोल दो क्या है? इक्वल है। तो टेंजेंट की क्वेश्चन क्या होती है? y माइनस वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। और नॉर्मल की क्वेश्चन क्या होती है? y माइनस वाई इज इक्वल टू एम इंटू, बहुत थका रहे हो तुम लोग यार, बहुत थका रहे हो। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है अभी ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कितना आएगा बोलो? पता नहीं क्या हो गया है तुम लोग को यार, कोई बोलना क्यों नहीं चाह रहा है? डर लग रहा है क्या बोलने में सभी लोगों को? हेलो हाँ सर, क्या हो गया, कोई बोलना क्यों नहीं चाह रहा है? हाँ तुम कल जो भेजे थे तो कुछ अजीब सा था ना, तुम्हारा तो अजीब ही बन रहा था। 1/1 + m² आएगा ना यहाँ पे। हाँ सर। तो ये m तो ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा ना ये तो। हाँ। अरे हेलो भाई कोई तो बोल दो यार। ठीक है इतना क्लियर है? हाँ सर। अभी आगे क्या बनेगा? ओफ ओफ, mx माइनस y का मॉड इज इक्वल टू m इनटू बोलो माइनस my माइनस x का मॉड। हाँ तो my प्लस x ना रे, है ना, ये हो गया ना। हाँ सर। हाँ अभी क्या करें? स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 नहीं बन जाएगा? प्लस माइनस करेंगे। काट दे क्या प्लस? अच्छा स्क्वायर करने पे कुछ चीजें कट जाती हैं क्या? कुछ खास नहीं कटता है, पता नहीं क्या स्क्वायर करे क्या? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एम वाई एक्स, पता नहीं मुझे लग नहीं रहा। अच्छा किया मैंने, अच्छा किया क्या मैंने? फिर मॉड ही खोल दीजिए स्क्वायर में, कुछ हो नहीं रहा यार, ये तो मतलब पागलपन है। ओहो ये क्या बन गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एकदम तो कट रहा है लेकिन बाकी त्राही त्राही मच जाएगी ना। अपन एक काम करते ना, एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू खोल देते ना प्लस माइनस, ज्यादा आसान है ना। हाँ सर। ये एक बन गया एक बार, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग है ना, दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आप ये पहली बार देख रहे हो ऐसा कुछ इस टाइप में कुछ हो जाएगा। ये एम इसका आपको लगेगा कि डिवाइड बाई डीएक्स में कोऑर्डिनेटिंग बन गया, अब क्या करें? ठीक है तो कुछ मत करो, एम इंटू क्या लिखा है, कोई तो हेल्प करेगा नहीं मेरी, मुझे खुद ही करना है सब कुछ। अब तो ऐसा हो गया, एमएक्स कट 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 गया,
m square y plus y. क्या हो रहा है, सब कुछ कट रहा है क्या? y भी कट गया है? ये क्या हो गया? तो माइनस वन होगा ना सर, m square माइनस वन होगा m square माइनस वन. तो ये तो एक, हाँ तो ये तो एक क्वेश्चन ही बेकार हो गई है ना. हाँ सर. अरे हाँ है ना. हाँ ठीक है. नाउ व्हाट, दूसरा वाला क्या करें? एम वाई हाँ एम एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बोलो माइनस एम. अच्छा वैसे मन में सोचना कि वाई इक्वल टू जीरो आया है ना फैक्टराइज होके, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? माइनस एम स्क्वायर वाई माइनस एम एक्स. अरे यस और नो? ठीक है, अभी क्या बना? एम स्क्वायर वाई प्लस टू एम एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो. बोलो भाई, इतना क्लियर है क्या? नाउ एम में क्वाड्रेटिक है, पहली बार एम में क्वाड्रेटिक आया आपके. अभी तक आपके क्वेश्चन में एम में क्वाड्रेटिक नहीं आया था. एम में क्वाड्रेटिक आया ना, कोई बात नहीं भाई, हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आती है. क्या होगा? माइनस टू एक्स प्लस माइनस बोलो बी स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर. बस काम खत्म. अरे चमका क्या, क्या हो गया? एम इज इक्वल टू माइनस टू एक्स बोलो प्लस टू तो कट गया, कितना आया? अरे इतना क्लियर है. तो मेरे पास क्या बन गया इक्वेशन बताओ? m इज इक्वल टू, हेलो m इज इक्वल टू बोलो माइनस एक्स प्लस माइनस हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई. ये कैसा है? ये होमोजेनियस है कि नहीं है? yes, sir. तो डालो y इज इक्वल टू वी एक्स, क्या आता है बोलो? y इक्वल टू वी एक्स से क्या आएगा बोलो? प्लस कितना आता है? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बोलो x प्लस माइनस रूट x स्क्वायर प्लस टू माइनस x प्लस माइनस हाँ अब तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ. ये क्वेश्चन है कौन सा? 13th है ना. अजीब ही गंदा आंसर है इसका तो यार. ठीक है चलो, एक्चुअली उससे ज्यादा आसान सॉल्व हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट से. ठीक है, इसको माइनस वी दे दिया यहाँ पे, फिर कैसे सॉल्व किया बताओ? तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बन रहा है, कैसे सॉल्व किया इसके आगे? सर अगर उसका स्क्वायर लेते तो एकदम लीनियर इक्वेशन बन जाता फाइनल में. क्या चीज मॉड का अगर स्क्वायर लेते तो फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करते समय सब परफेक्ट स्क्वायर होके लीनियर इक्वेशन बनता है m में. डिटरमिनेंट क्या बोल रहा है सर? डिटरमिनेंट मतलब वो डिस्क्रिमिनेंट. अच्छा ये तो यहां से भी सॉल्व होगा ही ना यार, ऐसा नहीं होगा. x dv / dx = तो कैसे किया इसका श्रेया बताओ तो? मैंने प्लस माइनस के लिए अलग-अलग इवैल्यूएट किया. प्लस माइनस हां वही तो ठीक है ना, हम भी वही करेंगे ना. माइनस वन हो, एक बार में कैसे कैरी कर सकते हैं हम? वी स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस वी स्क्वायर आ गया ना ऊपर में है ना, और बाई वी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई चिंता की बात नहीं, नहीं बनेगा, वे बन जाएगा. नीचे में क्या आ गया? वी बाई वी स्क्वायर हेलो प्लस वन हेलो माइनस वी स्क्वायर प्लस वन. अरे हाँ यार ना. हाँ सर. अबे दिख रहा है, अच्छा हो रहा है ना कुछ तो? हाँ सर. हाँ सर. क्या अच्छा हो रहा है, क्या करें अभी बताओ? कॉमन ले ले. इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन. ठीक है, क्या करें? ऊपर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. ठीक है ना. हाँ तो अभी क्या करें? वी स्क्वायर कॉमन ले ले. वी स्क्वायर प्लस वन क्या आ जाएगा बोलो? वी स्क्वायर प्लस वन बाहर आ गया और यहाँ क्या लिखा है बोलो? वन माइनस वी स्क्वायर प्लस वन. अरे एनीबडी समबडी एवरीबडी क्लियर है? ठीक है, अभी क्या करें बोलो?
वी स्क्वायर प्लस वन के रूट को टी ले ले है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, वन बाई टू रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन इंटू टू ही। अरे भाई हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ये पूरा डीटी में खत्म हो गया ना, क्या बन गया डीटी बाई वन माइनस टी इज इक्वल टू डीएक्स बाई एक्स। ठीक है, क्या होगा उत्तर, लॉन वन माइनस एक्स, लॉन वन माइनस एक्स, सॉरी लॉन वन माइनस, अभी डीसी में ना डी में एक और प्रॉब्लम आती है वो कॉन्स्टेंट वाली हमेशा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ, अभी कैसे अपन ये सब खत्म वतम कैसे करेंगे, अपन ए अपन कह देंगे ये सी उधर गया वो उधर गया, क्या आ जाएगा इक्वल टू के इज इक्वल टू बोलो एक्स इंटू वन माइनस टी। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ। इसको इसको उधर ले गए मल्टीप्लाई कर दिए ई की पावर सी को के ले लिया, चमकता है ना इतना। अभी क्या होगा बताओ, एक्स अब बोलो क्या हो जाएगा आंसर में, टैन इनवर्स कैसे आया हुआ है, मेरा टैन इनवर्स तो नहीं आ रहा है। आंसर में टैन इनवर्स कैसे आया हुआ है, तुम्हारे से टैन इनवर्स आता है क्या? हाँ सर आया था। मेरा क्यों नहीं आ रहा, मैंने क्या गलती कर, मैं सीधा तो किया सॉल्व, तो मैं पुट करो देखता हूँ क्या होता है। एक्स इंटू वन माइनस टी, टी क्या है वन माइनस वी स्क्वायर प्लस वन, और v क्या है वाई बाई एक्स, ना टेन तो नहीं आ रहा, मैं तो ऐसा आंसर आ रहा है, एक बार चेक करो मैं कुछ कल से गलती करी क्या मैंने। Somebody check my steps, मैंने कुछ गलती करी कहीं पे क्या? कॉपी करो सब लोग, एक बार चेक करो मेरी कैल से मिस्टेक, मैं कुछ गलती किया है, देखो एक बार चेक करो। मैं कुछ गलती करी कैलकुलेशन की क्या? हेलो चेक करो, सर वो शायद वो mod of mx minus y equal to mod of my plus x ही आएगा शायद। हाँ सर। ना? हाँ बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। सर वो जो हमने normal और टेंजेंट का डिस्टेंस लिया ना वो एक बार वापस लिख के देख लो ना, शायद yes. गलत है। तुम सही बोल रहे हो, तुम सही साइन नहीं, तुम सही तुम पक्का सही बोल रहे हो, मुझे मालूम है यहाँ पे वन प्लस एम स्क्वायर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये पूरा सीधा कट गया ना, फिर क्योंकि मैंने ये लिखा था तो एम यहाँ चला गया ना, उससे अंतर ऊपर ऑलरेडी यूज कर लिया ना मैंने एम तो वहां पे। अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अभी मेरे पास इक्वेशन, तो अभी मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही है, वैसे क्वेश्चन बड़ा खतरनाक बन गया था, अच्छा बन गया था।
ठीक है चलो नेक्स्ट इसमें क्या बन रहा है बोलो y प्लस नहीं क्या बना mx मुझे लग रहा है पता नहीं ये भी गलती मत हो कुछ सब मत my प्लस x ऐसा आ रहा है ना सर तो क्या बन गया है बोलो m इनटू x x माइनस y इज इक्वल टू x प्लस y अरे क्लियर है क्या तो क्या आ गया dy by dx इज इक्वल टू बोलो भाई x plus y by x minus y है ना ये तो होमोजेनस आ गया फिर तो y is equals to vx डालो इसमें क्या आ रहा है v plus x dv by dx y is equals to vx x plus vx by x minus vx तुम सीधा क्या करवा रही थी मुझसे तुम भी वैसे ही की थी क्या नहीं सर मैंने dy by dx लिखा था तुम तो समझा नहीं तो तुम कहते थे ना वन प्लस वी स्क्वायर को कॉमन ले लो मेरा तुमने जैसे मैं सॉल्व कर रहा था तुमने वैसे ही सॉल्व किया था नहीं सर नहीं ना वन प्लस तो आप लोगों को पता नहीं चला कि सर आप क्या कर रहे हो ये पागलपन कुछ भी लिख रहे हो माइनस वी करें कितना आ रहा है बताओ Somebody help यार one plus v minus v square है ना क्या आ गया one plus v square into dv अरे बोलो भाई हाँ या ना है ना ठीक है ये कितना हो गया dv by one plus v square minus one by two चमक रहा है ना मैं क्या fast खेल रहा हूँ हेलो एवरीबॉडी चमका मैंने क्या कर दिया हाँ सर क्या हो गया फटाफट मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना ये क्या होगा tan इनवर्स v माइनस हाफ लॉन ऑफ वन प्लस वी इज इक्वल टू लॉन एक्स प्लस सी है ना तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरा पूरा सिस्टम फटाफट सिस्टम को सॉल्व करो फटाफट इस हाफ को यहाँ दे दो क्या बन जाएगा बोलो सर इसको उधर लेते जाओ हाँ अरे क्लियर है क्या अभी एंड तक सिंप्लीफाई करके लॉन वाले को एक साथ ले लो इसको भी एक साथ ले लो दोनों साइड टैन में लेके तुम्हारा जरूरत नहीं है टैन लेने की टैन इनवर्स वाई में आंसर है यार एक चीज क्लियर है क्या अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ सर एंड का लास्ट का स्टेप का आंसर मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात चमकती है सभी को यहाँ पे कैसे आंसर मैच होगा टैन इनवर्स वाई बाई एक्स लिखा है और इधर पूरा सिस्टम खा जाऊंगा मैं किसमें लॉन 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 में क्या बन जाएगा लॉन ऑफ x into 1 plus v square into x into a चमकता है और मैं खा गया इसको ये e की पावर चला गया क्लियर है क्या e की पावर tan इनवर्स y by x is equals to under root x square plus y square into a ये बात चमकती है क्या ठीक है तो थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए ना बोलो क्लियर है अरे हेलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर आप करें जब करें हाँ सर एक मिनट सर हाँ सर हाँ सर अगर आप करेंगे इसको है ना चलो ठीक है नेक्स्ट बोलो हाँ भाई नेक्स्ट बोलिए सब लोग सोच रहे हैं कोई पूछ लो कोई पूछ लो कोई पूछ लो मुझे नहीं पूछना पड़े 14 अभी आज दो क्वेश्चन किए ना सेम वाले देख है ना अभी हमने सिलेंडर किया हमने हेमिस्फीयर किया ये क्या है बोल कोन है ना ये चमक रहा है सेम ही क्वेश्चन है ना
वाटर फ्लोज थ्रू, अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पे तुम कैसे हाइट वाली चीज बराबर कैसे करोगे, ये तो दिया हुआ है तुमको, कितना दिया हुआ है, एरिया ए दिया हुआ है ना, और वॉल्यूम और वी और वाटर फ्लो दिया हुआ है म्यू इंटू टू जी एच, तो एरिया आ गया, वॉल्यू एरिया क्या दिया हुआ, एरिया आ गया, वेलोसिटी आ गया इंटू डी टी, अरे यस और नो? अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए बोलो, कितने हाइट कितने टाइम के बाद, अरे भाई तुम्हें बोलते हैं यही चाहिए ना सिस्टम, हाँ सर, तो इस हाँ तो इसका क्या लगेगा हमको, वही सब लगेगा जो चाहिए होता है हम लोगों को, है ना, कैसे निकालेंगे इस केस में tan थीटा इक्वल, हाँ इस केस में अपन सेम चीज अगर ऐसा सिस्टम यही है ना कोन का, है ना, अपने को यहाँ का चाहिए किस हाइट पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या चीज कॉन्स्टेंट रहती है बताओ, ये थीटा कॉन्स्टेंट है ना हमेशा तुम्हारा बोलो, हाँ तो इसका रेडियस आर और हाइट एच है, रेडियस आर और इनिशियल हाइट कितना है एच है, तो टैन थीटा क्या रहेगा हर मोमेंट पे कांस्टेंट रहेगा ना, टैन थीटा कितना होता है आर बाय एच होता है, अब इस मोमेंट पे मैंने एच माना है ना, अब बताओ ये एच कितना होगा, टैन थीटा क्या होगा, नीचे में एच होगा ना यार, हाँ सर, अरे क्लियर है क्या बेटा सबको, ठीक है ओके, तो अपने पास अब बताओ, तो इस वाले का वॉल्यूम कितना होगा, ये जो पोर्शन है इसका वॉल्यूम कितना होगा बोलो, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो पाई आर स्क्वायर इनटू एच है ना, तो अभी और पाई आर स्क्वायर इनटू एच इनटू डीएच, नहीं नहीं डीएच थोड़ी ना आएगा, क्या कर दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर इनटू डीएच है ना, तो अभी आर स्क्वायर कितना आएगा बोलो, आर बाई एच इंटू एच का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ये आपको समझ में आती, यही तीन ज्योमेट्री होती है बार बार, स्फीयर वाले में वैसे करते हैं सेंटर से, सिलेंडर वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, और इस वाले में टैन थीटा, ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से, इसे करने पे आंसर आना चाहिए, आंसर आता है कि नहीं आता है, आता है सर, नेक्स्ट बोलो सर, 15th लास्ट वाले, A country has a food deficit of 10%. Its population grows continuously at a rate 3% per year. Its annual food production every year is 4% more than that of last year. Assuming that average food requirement per person remains constant, prove that country will serve. क्या है ये question? पहले तुम्हें 14th वाला copy कर लो. 15th क्वेश्चन आई थिंक सबके साथ ही बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, और कंट्री में फूड डेफिसिट 10% का है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है हर साल 3% से, ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करें बताओ, पहला स्टेप क्या लिखे, इसको रब करूं क्या, ठीक है, तो 15th क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या होगा बताओ, लेट पॉपुलेशन बी पी, अरे यस और नो, तो डीपी बाई डीटी कितना दिया हुआ है, डीपी बाई डीटी कितना दिया हुआ है, पीपी बाई 100, 3P/100 ना, डीपी बाई डीटी 3P/100 दिया हुआ है ना यार, इट्स एनुअल फूड प्रोडक्शन, तो एनुअल फूड प्रोडक्शन मान लेते हैं, एनुअल फूड प्रोडक्शन कितना मान ले, चलो एफ मान लेते हैं, ठीक है, तो डीएफ बाई डीपी कितना दिया हुआ है, 4F/100, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं सर, नहीं क्यों, तो रेट क्या है, 4% होगा ना रेट, तो फूड प्रोडक्शन हर साल 4% पिछले साल ज्यादा है ना, तो चेंज कितना होगा, किसी भी नए साल में कैसा है, हाँ सर ठीक है ठीक है,
यही होगा ना यार, है ना? Assuming that average food requirement per person remains constant. ठीक है. D by dt दिया हुआ है, D of by dt दिया हुआ है. तो कैसे करें? एक काम करते हैं, पहले एक स्केल बनाते हैं t इक्वल टू जीरो पे, और t इक्वल टू t पे हम लिख रहे हैं पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कितना है, p है. फूड प्रोडक्शन कितना है, f है. ठीक है, तो और वो बोल रहा है एवरेज फूड कंजम्पशन पर पर्सन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो वो चेंज नहीं. हाँ, तो अभी क्या दिया हुआ है? हाँ, इसमें दिया है 10% डेफिसिट, तो हम लोग उसको स्टार्टिंग काउंट नहीं करेंगे क्या? मतलब टोटल करेंगे, करेंगे नहीं, नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे ना, करेंगे ना. डेफिसिट क्या होगा? व्हाट इज डेफिसिट? डेफिसिट इज कि कितना फूड चाहिए. व्हाट, हाउ डू यू कंसीडर डेफिसिट? दैट इज अ प्रॉब्लम ना. डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होगी कि कितना खाना, कितना पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन, तो रुको यार, अजीब सही है ये. इसमें फूड डेफिसिट 10% दिया हुआ है ना, फूड डेफिसिट 10% दिया हुआ है, तो पॉपुलेशन पी जो है उसका खाने का कंजम्पशन मान लेते हैं अपन पर परसेंट पे कांस्टेंट के है, तो मान लेते हैं खाने या कंजम्पशन किसी भी साल में केपी है. टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पे एफ नॉट है. ठीक है, तो इनिशियली में 10% क्या होगा बताओ तो? व्हाट इज 10%? फूड डेफिसिट मतलब जितना खाना चाहिए उतना खाना नहीं है ना, तो परसेंटेज में कैसे आएगा? 9 केपी बाय 100 का 90 केपी बाय 100 इज इक्वल टू एफ लेंगे क्योंकि 10% डेफिसिट हो रहा है इनिशियल में. अपने को देख लिया, मुझे इनिशियली चीज समझ में, इनिशियली सोच नहीं पा रहा हूं इनिशियली में क्या हो रहा होगा. इनिशियली में जितना फूड प्रोडक्शन है, मान लो इनिशियली में फूड प्रोडक्शन एफ नॉट है, तो कितना होना चाहिए था? अगर इनिशियल में 10% का डेफिसिट है और इनिशियल में फूड प्रोडक्शन एफ नॉट है, तो फूड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए इनिशियली? एफ नॉट प्लस 10% ऑफ 110 एफ नॉट बाई वो ना. तो इनिशियली तुम्हारे पास फूड प्रोडक्शन शुड हैव बीन, एक काम करते हैं, लिखते हैं ना एफ नॉट माइनस पी नॉट बाई एफ नॉट. ये 10 मान सकते हैं क्या अपन? 10/100 एक बार चेक करो. हेलो, पी नॉट के माइनस एफ नॉट होगा. हाँ, पी नॉट के माइनस एफ नॉट इज 10/100 ऐसा मुझे लग रहा है, तुम बताओ. हाँ सर, ऐसा मुझे लग रहा है. अरे क्लियर है क्या? तो जो एनुअल जो फूड जो पॉपुलेशन चेंज हो रहा था ना 3% पे, उसको मैं फूड कंजम्पशन में चेंज कर देता, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो फूड कंजम्पशन में क्या हो जाएगा? पीके हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीके हो जाएगा. ये बात क्लियर है क्या अभी? अरे हेलो, तो किसी भी आर्बिट ईयर पे डेफिसिट कितना है? किसी भी आर्बिट ईयर पे डेफिसिट कितना है बताओ? किसी भी आर्बिट ईयर पे डेफिसिट कितना है बोलो? पी के माइनस एफ बाई एफ, यही है ना डेफिसिट? ठीक है यार ये. तो फिर तो किसी भी इंस्टेंट पे पी, तो इस वाले टाइम पे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो तो? इस वाले फॉर्मूले से व्हाट सेल पी बी, यहाँ पर पी का वैल्यू कितना होगा बोलो? पी नॉट ई रेस टू थ्री टी बाय हंड्रेड. पी नॉट ई रेस टू थ्री टी बाय हंड्रेड. थ्री पी, थ्री टी बाय हंड्रेड. थ्री पी बाय हंड्रेड ये आएगा ना, पी है ना, तो टी बाय हंड्रेड. क्या
टाइम का फंक्शन. हाँ, 3t/100 ये आएगा तुम्हारा पॉपुलेशन. और तुम्हारा तो इसकी जरूरत नहीं है आपको अपन को ऐसे भी. और किसी भी स्टैंड पे फूड का क्या रहेगा? F नॉट e की पावर 40 by 100 है ना. तो डेफिसिट कितना रहेगा किसी भी मोमेंट पे बताओ. हेलो पी नॉट ई 3t/100 माइनस एफ नॉट ई 4t/100 बाई एफ. कितना एफ है? एक काम करे क्या फिर यहीं पे एफ को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना. फालतू में क्या को टाइम पास करेंगे. पी बाई एफ निकाल लेते हैं ना. क्या हो जाएगा? पी नॉट बाई एफ नॉट ई की पावर माइनस टी बाई हंड्रेड. अरे क्लियर है क्या ये? माइनस वन ये आ गया ना डी. ये आ गया ना डी है कि नहीं? ठीक है. अभी तुम क्या चाहते हो कि डेफिसिट जीरो हो जाए है ना. अभी तुम क्या चाहते हो? डेफिसिट जीरो हो जाए. सर उसमें के भी आएगा ना. कहाँ के तो ही है. तुम क्या चाहते हो? डेफिसिट जीरो हो जाए ना. हाँ सर. तो डेफिसिट जीरो करो. हाँ. पीके माइनस एफ बाई पीके होगा ना. एफ कैसे आएगा क्योंकि डेफिसिट पूछ रहे तो टोटल तो पीके रहेगा ना. ये बात तुम सही कह रहे हो. ये बात तुमसे फिर यहाँ भी गलती करी ना मैंने. हाँ. कितना खाना चाहिए उस पे है ना यार. कितना खाना रिक्वायर्ड है ना. हाँ यू राइट. यहाँ मैंने गलती करी है. ये पीके है ठीक है. तो कितना आ जाएगा बताओ. डेफिनेट कितना आ रहा है? 1 माइनस एफ बाई पी. एफ बाई पी कितना होगा? पी नॉट बाई एफ नॉट ई की पावर. अरे बोलो. एफ नॉट माइनस टी बाई हंड्रेड. हाँ एफ नॉट बाई पी नॉट. अरे यही आ गया ना अपने पास. डेफिनेट टी बाई हंड्रेड प्लस टी बाई हंड्रेड होगा क्या? हाँ ये हो जाएगा प्लस टी बाई हंड्रेड. अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है. तो अभी हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं बताओ. डेफिसिट जीरो हो जाए. डेफिसिट जीरो. सॉल्व करो. सॉल्व करो. आंसर निकालो. सॉल्व करो. आंसर निकालो. यहाँ पे कहीं के छूट गया है क्या मेरा? तो आंसर निकालो. कैसे निकलेगा आंसर पता है ना? अरे हेलो आंसर कैसे निकालोगे यहाँ से? 1/f0p0 k का वैल्यू कितना आ गया? 10/100 आ गया ना. अरे आया ना. नाइन बाई टेन हो जाएगा. कितना आ गया ये? 9/10 आ गया ना इसकी वैल्यू है ना. कितना आ जाएगा बोलो? 1 - 9/10. कोई बोल ही नहीं रहा यार. 1 - 9/10 आ गया ना वैल्यू इसका. e की पावर t/100 ग्रेटर देन 0. सॉल्व हो रहा है क्या? हाँ
सर आंसर अलग आ रहा है. आंसर अलग आ रहा है, क्यों अलग आ रहा है, लिखो जाए कहाँ गलत, क्या आंसर गलत आ रहा है. टेन वहां चला गया, नाइन वहां चला गया, लॉन आ गया ना सीधा, तो लॉन टेन माइनस लॉन नाइन तो आ रहा है. लॉन टेन माइनस लॉन नाइन इंटू हंड्रेड बन जा रहा है ना, वन पॉइंट ये जीरो थ्री कैसे आएगा. नहीं कुछ गलती करी क्या, चेक करो एक बार. आई थिंक हम लोग कुछ वैल्यू लेवे मिस करी है हमने. अरे बताओ आज गलती तो दिखी, तुम बताओ गलती क्या, मैं गलती दिखी तुम बताओ, मेरे को गलती दिखी, तुम्हें गलती दिख रही है क्या, मुझे मस्त गलती दिखी है. हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, शुरू का दो लाइन ध्यान से पढ़ना वापस से, शुरू का दो लाइन ध्यान से पढ़ो. हेलो शुरू का दो लाइन ध्यान से पढ़ो बस, गलती दिखेगी. क्या भाई दिखाई गलती दिखी क्या शुरू दो लाइन में, नहीं दिख रहा वो क्या F प्लस 4% दिख रहा है क्या, क्यों 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 4% मोर देन प्रीवियस ईयर बोला नहीं तो, तो नहीं तो दोनों में फर्स्ट तीन लाइन में क्या डिफरेंस है बताओ, फर्स्ट तीन लाइन में क्या डिफरेंस है पॉपुलेशन में और एनुअल फूड प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है. वो 3% इंक्रीज करता है और फूड 4% मोर देन प्रीवियस ईयर, तो वही हो गया ना, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो सही है. दोनों में डिफरेंस क्या है कि वैसा डिफरेंस हो जाएगा बताओ. सेकंड लाइन में और सेकंड लाइन, हाँ इसमें हम लोग को टोटल प्रोडक्शन मतलब डेफिसिट को भी काउंट करना पड़ेगा. नहीं सेकंड लाइन में एक वर्ड है और थर्ड लाइन में एक वर्ड है, वहीं से मालूम चल रहा है कब डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं, मतलब डेरिवेटिव कब यूज करते हैं, जब कोई चीज कंटिन्यूअस है और कोई चीज डिस्क्रीट है. यहाँ पे कंटिन्यूअस कौन है, डिस्क्रीट कौन है, पॉपुलेशन कंटिन्यूअस है. पॉपुलेशन कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट कौन है, फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन वो कैसा फॉलो कर रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है ना. फूड प्रोडक्शन तो सिंपल इंटरेस्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हर साल 3% बढ़ रहा है ना, तो वो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा उसका बताओ, 3f0/100n. ये बात चमकती है क्या, 4f0. हाँ ये बात चमकती है क्या, अरे ये बात क्लियर है क्या, वापस सॉल्व करो. वापस सॉल्व करो और इसको एन मत मान लो, इसको टी मान लो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब मान लो टी ईयर से टी एन में फालतू में कंफ्यूज जाओगे, बेटर रहेगा कि तुम टी मान के रखो उसको. देखो तो हुआ क्या, यहाँ पे ऐसे आता है, कैसे आता है, सिंपल इंटरेस्ट याद है कि भूल चुके हो, यहाँ पे थोड़ा एफ नॉट आता है, कहाँ आता है सिंपल इंटरेस्ट में एफ नॉट. अगर एक प्रिंसिपल पी पे इनकम अगर टी इंटरेस्ट लग रहा है आई, तो फॉर्मूला क्या होता है, एफ नॉट बाहर आ जाएगा. एफ नॉट फॉर्मूला क्या होता है, मैं तो पूछ रहा हूँ प्रिंसिपल क्या होगा भाई, अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में, या जो भी इंटरेस्ट होता है उससे फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा मुझे क्या होता है, ए क्या होता है बोलो, पी प्लस पी आर प्रिंसिपल इनटू वन प्लस आर बाय एन, ऐसा ही कुछ होता है ना फॉर्मूला, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पर रहता है ये. हाँ तो इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट में क्या होगा फॉर्मूला बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या रहेगा बोलो, P plus PRT by N होता है. P plus
बट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है कंपाउंड कंपाउंड एवरी ईयर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है ना मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा p into 1 plus rt by r by 100 rt by 100 की पावर n यहाँ पे t क्या होता है कितने देर बाद कंपाउंड हो रहा है ना यहाँ पे t क्या होता है rt कितने टाइम बाद कंपाउंड हो रहा है कितने टाइम बाद कंपाउंड हो रहा है एक साल बाद हो रहा है कंपाउंड अरे मैं क्या तुम लोग करके दिखाओ क्या अभी आता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला नहीं आता है आता है तो यही आएगा ना यार क्या होगा वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगा एफ का वैल्यू क्या होगा एन साल टी ईयर्स बाद हम मान लेते हैं टी ईयर्स है एन मान लो बताओ कितना वैल्यू होगा एफ नॉट इंटू वन प्लस फोर बाई हंड्रेड की पावर में टी मान लो ठीक है क्या हो जाएगा बोलो एफ नॉट इंटू 1.04 पावर टी अरे इतना क्लियर है क्या एफ है ना अब वापस से क्या करना पड़ेगा डेफिसिट को जीरो करना है ना हाँ सर तो कैसे डेफिसिट जीरो होगा बे डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो व्हाट इज डेफिसिट पीके माइनस एफ पीके माइनस एफ by pk this shall be greater than 0 है ना तो कितना आ गया pk कितना आएगा p not k e की पावर 3t by 100 minus f f not 1.04 की पावर t greater than 0 ठीक है अब मुझे बताओ p not by f not क्या चाहिए मुझे इसमें मेरे पेन का रिफिल खत्म हो रहा है ना तो मैं आंसर निकालो कितना आता है इससे आता है क्या आ जाना चाहिए ना अब तो मेरे ख्याल से कितना आ रहा है बोलो e की पावर 3t by 100 को यहीं रखते हैं और माइनस f नॉट by p नॉट k 1.04 की पावर t ग्रेटर देन दिस अरे हाँ या ना यही है ना ठीक है F not by P not K कितना है? 9 by 10 into 1.04 की पावर T ठीक है अब क्या करें लोन ले आंसर निकालो जरा अब तो आंसर निकालने का कष्ट करो निकालो आंसर अब निकालो आंसर देखा जाए कैसे आंसर निकालते अब तो निकल जाना चाहिए वैसे निकालने का ट्राई तो करो लॉन सीधा के ले लो लॉन लो तो फर्स्ट जाओगे ना नहीं फर्स्ट हो जाएगा आया क्या लॉन से हाँ सर ठीक है अरे करके दिखाऊं कि लॉन से आ गया अरे कुछ नहीं करना है इसको नीचे डिवाइड कर दो इसको क्या लिख दोगे e की पावर 0.03t है ना बाय अब मैं क्या सिखा रहा हूँ तुमको लॉन लेना सिखा रहा हूँ क्या मैं पागल हो गया क्या है ना दो साइड लॉन ले लो हो जाएगा ना सीधा दो साइड लॉन लोगे तो क्या आ जाएगा मैं नहीं कहता अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 0.03 माइनस लॉन 1.3 माइनस लॉन 1.04 इनटू टी है ना और ग्रेटर देन लॉन 9 माइनस लॉन 10 आपको क्या समझना है आप ये समझो बस कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में डिफरेंस होता है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या होता है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में क्या होता है डिफरेंस होता है इतनी चीज क्लियर है क्या अच्छे से अच्छा सर हाँ बोलो
अबे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। देखो मैंने होमवर्क भेजा है, देखो दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नहीं सबको होमवर्क दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ सर। हाँ सर। वो तुमको सिर्फ क्वेश्चन कराया था, मैंने नहीं कराया था। एक डीवाई बाय डीएक्स प्लस एक्स इनटू एक्स प्लस वाई वाला कराया था क्या? पप्पू से पूछा है। मुझे याद आ रहा है कराया था। देखो एक बार, ये dy by dx प्लस शायद ओम व्याकुल ने पूछा भी था सर, उसके बाद नहीं बन रहा, क्या करना है? देखो तो कराया था क्या? नहीं कराया था सर। हाँ सर कराया। चलो ठीक है, तो वही करो, मतलब जो भी होमवर्क दिया है ना वो पहले करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? हेलो हेलो सर, एक काम करते हैं, सुनो। अरे हेलो, सुन रहे हो क्या मेरी बात? ये तो डी वाला हुआ ना, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा ना आपको ना इसका भी होमवर्क देता हूँ। किसका? आईडीआई का। इंटीग्रेशन करते रहना चाहिए, भूल जाता है। ठीक है, होमवर्क मिल गया पूरा? हाँ सर। चलो ओके बाय।